नर्मदा नदी से रेत खनन का ठेका खनिज निगम द्वारा ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी को दिया गया है। हालांकि जिले का रेत समूह का ठेका लेने वाले ठेकेदार द्वारा ठेका प्राप्त करने के जो दस्तावेज टेंडर प्राप्त करते समय लगाए थे उनको हाईकोर्ट जबलपुर ने गलत बताते हुए ठेका निरस्त किया गया है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित है जिसकी अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होना है। इधर संबंधित ठेकेदार द्वारा खनिज निगम को नवंबर माह की त्रैमासिक किस्त जमा करनी थी, जिसके समय पर जमा नहीं होने के कारण खनिज निगम ने संबंधित ठेकेदार की ATP का पोर्टल बंद कर दिया था और बंद होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा नर्मदा नदी से मशीन से खनन पर रोक के बाद भी जमकर अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। रायसेन जिले की 56 रेत खदानों का ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार द्वारा नवंबर माह में अग्रिम राशि जमा कर रॉयल्टी प्राप्त करनी थी, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करने के कारण खनिज निगम ने संबंधित ठेकेदार की ATP का पोर्टल बंद किया गया है, जिसके बाद भी ठेकेदार द्वारा जमकर नर्मदा नदी में रेत का खनन कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टॉक रॉयल्टी के नाम पर सीधे नदी से रेत खनन कर बिना रॉयल्टी रेत बेची जा रही है। केंद्र मंत्री का नाम लेकर प्रशासन पर बनाया जाता है दबाव। रायसेन जिले का रेत ठेका चलाने वाले ठेकेदार एवं खदान का मौके पर संचालन करने वाले अपने आप को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार बताकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाते रहते हैं एवं इनकी आड़ में जमकर नर्मदा नदी से अवैध रेत का खनन कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा समय पर राशि जमा नहीं की तो ठेका निरस्त की कार्यवाही की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।